और आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लंग्स के बाद का टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने डीपली लंग्स को स्टडी किया था और आज की क्लास में मैं आपको कुछ नया पढ़ाने वाली हूँ, ब्रोंकियल ट्री। जी हाँ, ब्रोंकियल ट्री लंग्स के अंदर दिखने वाला एक ट्री की ब्रांचेस जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ओके, जो हमने लास्ट क्लास में लंग्स का डायग्राम देखा था, राइट? यस। तो वो जो लंग्स के अंदर एक ट्री की ब्रांचेस जैसा कुछ स्ट्रक्चर था, कुछ स्टेट में स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल ट्री। तो इसका क्या फंक्शन होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये ट्रेकिया है ना? ये क्या है? ट्रेकिया, दैट इज विंड पाइप। ट्रेकिया क्या था हमारा? विंड पाइप। तो ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। अब यहाँ से दो साइड में डिवीजन हो गया ट्रेकिया का, है ना? अब ऐसा था ट्रेकिया, फिर ये देखिए ऐसा कुछ ट्रेकिया था, अब इसने दो साइड में डिवीजन कर दिया। एक इसने राइट साइड में डिवीजन किया और दूसरा इसने लेफ्ट साइड में डिवीजन किया। अब ये जो राइट वाले साइड में इसने डिवीजन किया तो उस डिवीजन को हम बोलते हैं राइट ब्रोंकस। ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं, अगर हम दोनों को साथ में ले रहे हैं तो हम ब्रोंकाई बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंगल इसकी बात कर रहे हैं राइट वाले की तो हम बोलेंगे राइट ब्रोंकस। और इसको ही हम प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोलते हैं। मतलब ये वाला जो डिवीजन है, ये वाला सिंपल डिवीजन है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। और अगर हम सिंगल ले रहे हैं तो राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? अब यहां से ये सब डिवाइड हुआ है। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ डिवीजन हुआ है ना, यहां से ऐसा कुछ डिवीजन हुआ है। तो ब्रोंकाई, जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, जब वो फर्दर डिवीजन करती है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई। देखो, जब प्राइमरी ब्रोंकाई फर्स्टली जो ट्रेकिया है जब वो डिवाइड हुआ तो उसको हमने क्या बोला? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोला? प्राइमरी ब्रोंकाई, या फिर उसको हम राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्राइमरी ब्रोंकाई है जब वो फर्दर डिवीजन करेगा, प्राइमरी ब्रोंकाई जब फर्दर डिवीजन करता है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, और जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है जब वो डिवीजन करेगा तो उसको हम बोलेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? टर्शियरी ब्रोंकाई। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद ये जो टर्शियरी ब्रोंकाई है, जब ये छोटा छोटा डिवाइड होता है, जब ये अगेन ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस बनाता है, डिवाइड होता है, क्योंकि जो ब्रोंकस ब्रोंकल ट्री ब्रोंकियल ट्री है वो सिर्फ टर्शियरी ब्रोंकाई तक ही डिवाइड हो सकता है। तो टर्शियरी के पास जो ब्रांचेस आपको नजर आएंगे उनको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल। उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल। अब ये ब्रोंकियोल अगेन ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में, बलून लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा, उसको हम एल्वोलाई बोलते हैं, बट वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी हमें डायग्राम से क्या समझ में आया? जो स्ट्रेट वाला पार्ट है उसको हमने ट्रेकिया बोला, जब ट्रेकिया फर्दर डिवाइड होता है तो उसको हम लेफ्ट और राइट ब्रोंकस या फिर प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं, अगर हम दोनों को साथ में लेके बोल रहे हैं तो। फिर जो प्राइमरी ब्रोंकाई है जब वो फर्दर डिवाइड होगी तो उसको सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं, और सेकेंडरी जब फर्दर डिवाइड होगी तो उसको हम टर्शियरी ब्रोंकाई बोलते हैं, और टर्शियरी ब्रोंकाई जब डिवाइड होगी तो उसको हम ब्रोंकियोल बोलते हैं। दिस इज ब्रोंकियल ट्री। ठीक, अब देखो यहाँ पे आते हैं। On entering the thoracic cavity, what is thoracic cavity and abdominal cavity? हाँ, आपको आंसर देना है। मैंने हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना थोरेक्सिक कैविटी क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज विजिट इन दैट लेक्चर। ओके, वो लेक्चर पढ़िए, उसके बाद ये वाला लेक्चर पढ़िए। तो जैसे ही थोरेक्सिक कैविटी में एयर आती है, ट्रेकिया जो होता है जो ट्रेकिया होता है, जैसे ही वो थोरेक्सिक कैविटी में एंटर करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस में वो डिवाइड हो जाता है। ये था, ऐसे हो गया, ब्रोंकस में डिवाइड हो गया। और ये कहाँ का अंदर, ये पूरे यहाँ पे लंग्स होता है, उसके अंदर का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है,
जो राइट ब्रोंकस है वो राइट लंग में एंटर कर लेता है, जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो लेफ्ट लंग में एंटर कर लेता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पैसेज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एयर थी, O2 था, एयर थी, ये कहाँ गई? नॉस्ट्रल कैविटी से होते हुए ट्रैकिया में गई। कहाँ गई? ट्रैकिया में गई। ट्रैकिया के बाद क्या होगा? ये ब्रोंकल ट्री से होते हुए, देखिए जो ब्रोंकल ट्री ऑर्गन है वहां पे किसी भी टाइप का गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। ब्रोंकियल ट्री सिर्फ एक पैसेज प्रोवाइड करता है एयर को, क्योंकि अगर हम गर्म एयर इनहेल कर रहे हैं और डायरेक्टली हमारे लंग्स में वो गर्म गर्म एयर जो है वो चली जाएगी तो हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं। दैट इज व्हाई ब्रोंकियल ट्री क्या करता है, एक पैसेज का काम करता है, ताकि टाइम बढ़े, मतलब जितना टाइम लगेगा एयर लंग्स पहुंचने में उतनी जल्दी एयर क्या होगी, ठंडी होगी, है ना। तो ब्रोंकियल ट्री में कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ ये एयर को कंडक्ट करा रहा है, इस वजह से हम ब्रोंकियल ट्री को कंडक्शन जोन भी कहते हैं। ब्रोंकियल ट्री को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन जोन भी कहते हैं। तो जैसे ही ट्रेकिया के बाद जो एयर है वो ब्रोंकियल ट्री में जाएगी, लंग्स में जाएगी, ब्रोंकियल ट्री में, है ना, लंग्स के अंदर ब्रोंकियल ट्री में, और उसके बाद एल्वियोलाई में। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, जो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है मैं पढ़ाऊंगी, वहां पे होता है मेन गैसियस एक्सचेंज। मैंने आपको लंग्स के टाइम पे भी बताया था कि जो मेन गैसियस एक्सचेंज है वो कौन करता है? एल्वियोलाई करती है, O2 को ब्लड में दे देती है, ब्लड से CO2 को ले लेती है, वापस एनवायरमेंट में छोड़ देती है, ये काम कौन कर रहा है? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी जोन। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी जोन। तो हमारा जो ब्रोंकियल ट्री है उसका ये स्ट्रक्चर था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिवाइड होता है, टर्शियरी जब डिवाइड होता है तो उसको हम ब्रोंकियोल बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, ये सिर्फ एक कंडक्शन जोन है जो एयर का एक पैसेज बनता है एल्वियोलाई तक पहुँचाने के लिए। ओके, तो दिस इज इट इन दिस क्लास। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे एल्वियोलाई को डिस्कस करेंगे, तब तक प्लीज 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 अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।